रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रिकॉर्डिंग इन रहा। प्रोग्रेस। अच्छा, तो हमने जहाँ पे छोड़ा था वहां से कंटिन्यू करते हैं। एंड्रोजेंस पे हम थे, तो एंड्रोजेंस में हमारे पास टेस्टोस्टेरोन आ जाता है एंड रिलेटेड एंड्रोजेंस आर ओ सॉरी मैं स्क्रीन टेस्टोस्टेरोन एंड रिलेटेड एंड्रोजेंस आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस द एड्रेनल एंड टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन द ओवरी। ओवरी में भी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, हालांकि नाम में टेस्टिस से जुड़ा हुआ नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हेलो, क्या हुआ अभी? हाँ, तो टेस्टोस्टेरोन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रोजेस्टेरोन एंड डाइहाइड्रोएपीएंड्रोजेस्टेरोन। ठीक है, वो हम देखेंगे कैसे बनता है, वो ऊपर जाएंगे वापस, तो बल्कि अभी चले जाते हैं। प्रोजेस्टेरोन एंड डाइहाइड्रोएपीएंड्रोजेस्टेरोन से बनता है, वो हमने कॉर्टिकोस्टीरॉइड में भी पढ़ा था, इधर भी हमने कहीं पढ़ा है, ये रहा। ठीक है, तो इसमें तो हमारे पास खाली एस्ट्रोजन का है ना, इसमें इसका नहीं है, पर जाते हैं हल्का सा, ये रहा। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, ये इधर गया, एक सेकंड ड्रॉ ही कर लेते हैं। देखो ये टेस्टोस्टेरोन है, ये एंड्रोस्टेरोन है, और ये जो ऊपर है ना, ये एपीएंडस्टेरोन है। ठीक है, तो यहां से वो बनता है। ठीक है, तो एंड्रोस्टेरोन और डाइहाइड्रो एपीएंडस्टेरोन से ये बनता है। हाँ, वो तो प्रोजेस्टेरोन तो शुरू से है, प्रोजेस्टेरोन तो शुरू से है ना, वो तो स्टार्टिंग है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से तो बनता है गया ना। ठीक है, ऊपर जाए वापस देखो। ये डन, अच्छा जी, तो टेस्टोस्टेरोन एंड रिलेटेड एंड्रोजेंस आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस, ये हो गया। ठीक है, द हार्मोन इज कन्वर्टेड, अच्छा, इन द प्लाज्मा टेस्टोस्टेरोन इज पार्शियली बाउंड टू सेक्स हार्मोन्स बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ठीक है, इन प्लाज्मा यानी ब्लड में जो है टेस्टोस्टेरोन इज बाउंड टू प्लाज्मा टू सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। द हार्मोन इज कन्वर्टेड इन सेवरल ऑर्गन्स टू डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है, यानी बोलता है ये टेस्टोस्टेरोन जो है ना, वो भी खाली एक्टिव नहीं है, वो डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन उसकी एक्टिव फॉर्म है, विच इज एक्टिव फॉर्म इन द हार्मोन इन द टिश्यू। बिकॉज ऑफ रैपिड हेपेटिक मेटाबॉलिज्म टेस्टोस्टेरोन इज गिवन ओरली। ठीक है, हेपेटिक ज्यादा होता है तो इसलिए ओरली दिया जाता है। इट मे बी गिवन बाय इंजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग एक्टिंग एस्टर्स और ट्रांसडर्मल पैचेस। लॉन्ग एक्टिंग एस्टर में वो जो बच्चे जिनमें टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है उनको देते हैं इंजेक्शन के थ्रू। मैंने खुद देखा है डलते हुए ना, इंटर्नशिप के दौरान जो है ना, कि वो टेस्टोस्टेरोन देते हैं, वो बहुत आसान तरीका होता है, शोल्डर पे करके ना इंजेक्शन लगा देते हैं, तो उससे ये होता है कि वो क्या कहते हैं ना, डिफरेंट जो है वो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। इंजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग एक्टिंग एस्टर्स और ट्रांसडर्मल पैच। ओरली एक्टिव वेरिएंट्स आर आल्सो अवेलेबल। मेनी एंड्रोजेंस हैव बीन सिंथेसाइज्ड इन एन एफर्ट टू इंक्रीज इट्स एनाबॉलिक इफेक्ट। ठीक है, मेनी एंड्रोजेंस जो है ना, काफी एंड्रोजेंस जो है वो सिंथेसाइज किए जा चुके हैं टू इंक्रीज द एनाबॉलिक इफेक्ट, टू इंक्रीज द एनाबॉलिक इफेक्ट ऑफ व्हाट, यानी ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, विदाउट इंक्रीजिंग एंड्रोजेनिक एक्शन। ठीक है, तो बोलते हैं कि खाली एनाबॉलिक इफेक्ट इंक्रीज हो, लेकिन एंड्रोजेनिक एक्टिविटी एनाबॉलिक उसकी इफेक्ट इंक्रीज से ना हो। टेस्टोस्टेरोन कैसे मुराद आ रहा है, ये कैसे मतलब पता लगे? देखो वो कह रहा है कि टेस्टोस्टेरोन जो है ना, वो काफी दफा इस तरह सिंथेसाइज किया गया है कि ताकि हम उसका खाली एनाबॉलिक इफेक्ट ले लें, यानी उसका जो जो वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है ना बॉडी में, तो वो वाला इफेक्ट ले लें, लेकिन इस तरह का कुछ सिंथेसाइज नहीं हो रहा। ठीक है, विदाउट इंक्रीजिंग एंड्रोजेनिक एक्टिविटी, तो ऐसा एंड्रोजन कोई भी अभी तक नहीं बना। ठीक है, टू इंक्रीज द एनाबॉलिक इफेक्ट विदाउट इंक्रीजिंग द एंड्रोजेनिक इफेक्ट, जिस ये तरह फॉर लाइन ही एग्जांपल मैंने, समझे, ये लाइन ही समझे कि यही वाली लाइन है जो आप पढ़ रहे हो, क्या एनाबॉलिक इफेक्ट उसका क्या है जो करवाना चाह रहे हैं, और वो एंड्रोजेनिक एक्शन क्या जिसको वो हटाना चाह रहे हैं? वो ये लिखा है ना, सी इफेक्ट्स लेटर, तो वो अब ये आगे लेटर पढ़ेंगे भी ना, ये देखो ये नीचे इफेक्ट्स है ना, यहाँ पे पढ़ेंगे, तो सही उसमें जाके विदाउट इंक्रीजिंग दैट ऑक्सेन रोलोन, ऑक्सेंड्रोलोन और स्टेनाजोलोल। स्टेनाजोलोल, स्टेनाजोलोल बड़ा आम सा नाम है, वो हम याद कर सकते हैं। स्टेनाजोलोल और ऑक्सेंड्रोलोन आर एग्जांपल ऑफ ड्रग दैट इन लेबोरेटरी टेस्टिंग हैव एन इंक्रीज्ड रेशियो ऑफ एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक एक्शन। ठीक है, बोलते हैं कि उसके एनाबॉलिक ज्यादा एंड्रोजेनिक कम है, ऑक्सेंड्रोन और स्टेनाजोल की। हाउएवर आल्सो कॉल्ड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैव फुल एंड्रोजेनिक एक्शन अगेंस्ट इफेक्ट व्हेन यूज्ड इन ह्यूमंस। ठीक है, वो कहते हैं लोग, वो जिमर्स जो होते हैं, जिम करने वाले और सारे, वो ले तो लेते हैं कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, खाली प्रोटीन बनाता है, लेकिन उसका क्या होता है, एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी होता है,
उनमें टेस्टोस्टिरोन ज्यादा हो जाता है, टेस्टोस्टिरोन ज्यादा हो जाता है तो वो बाल्डनेस की तरफ चले जाते हैं, वो गंजे होने लग जाते हैं, तो इसीलिए ज्यादातर जो जिम वाले हैं ना वो थोड़े गंजे और हो जाते हार्ट हैं पे भी इफेक्ट क्यों, आता क्योंकि है वो इनका, स्टीरॉयड। हाइपरटेंशन जी भी हो बिल्कुल सकता बिल्कुल है बिल्कुल उसका, तभी हार्ट बिल्कुल अटैक बिल्कुल, भी तो हो वो सकता काफी है। इसके अंदर करता है, इसलिए यस स्टीरॉयड नहीं लेने चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लाइक अदर स्टीरॉयड हार्मोन एंड्रोजन एंटर सेल एंड बाइंड टू साइटोसोलिक रिसेप्टर, वही सेम मैकेनिज्म है, द हार्मोन रिसेप्टर एंटर द न्यूक्लियस एंड मॉड्यूलेट द टेस्टोस्टेरोन इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ मेल फीटस एंड इन्फेंट इन मेल फीटस के लिए जरूरी है, एंड इन्फेंट इन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजर चेंजेस इन मेल एट प्यूबर्टी। ठीक है, तो इन्फेंट में भी जरूरी है, बच्चों में जो छोटे बच्चे हैं नामुलूद, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर चेंजेस इन द मेल एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पे भी जरूरी है, ठीक है, डिफरेंट इफेक्ट्स लाते हैं, ठीक है। आफ्टर प्यूबर्टी टेस्टोस्टेरोन इज एक्ट्स टू मेंटेन सेकंड एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्टिलिटी एंड लिबिडो, इटैक्स ऑन हेयर सेल्स एंड ऑन टू कॉज मेल पैटर्न बैल्डनेस, ठीक है, इट वही जो बात आ गई कि बैल्डनेस भी कॉज करता है, ठीक है। द मेजर इफेक्ट ऑफ एंड्रोजेनिक हार्मोन इन एडिशन टू डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल मेल कैरेक्टरिस्टिक्स इज एन एनाबॉलिक एक्शन दैट इन्वॉल्व्स इंक्रीज मसल साइज एंड स्ट्रेंथ एंड इंक्रीज रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया नाइट्रोजन इज रिड्यूस्ड एंड नाइट्रोजन बैलेंस बिकम्स मोर पॉजिटिव, ठीक है, यानी ज्यादातर बिल्डिंग में इस्तेमाल हो रहा है इसलिए पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन आल्सो हेल्प्स मेंटेन नॉर्मल बोन डेंसिटी, यानी नॉर्मल बोन डेंसिटी मेंटेन करने में एक्सक्रीशन भी ऑफ यूरिया नाइट्रोजन हेल्प। इज रिड्यूस्ड, यानी इसका ये एडवर्स इफेक्ट है एंड ये नाइट्रोजन बैलेंस बिकम्स पॉजिटिव। नहीं, ये पॉजिटिव इफेक्ट है। देखो नाइट्रोजन जो होती है ना वो क्या होती है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। अगर बॉडी में से नाइट्रोजन जितनी जा रही है, ठीक है, उतनी आने लग जाए तो क्या है, थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल 10 नाइट्रोजन जा रही है तो 9 आ रही है, तो सिंगल पॉजिटिव इफेक्ट है, ठीक है, सही सही उस तो समझो डबल हाँ पॉजिटिव, डबल पॉजिटिव इफेक्ट है, ठीक है। तो अब ना हाँ अगर हम लोग ज्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज करने लग जाएंगे इधर बॉडी में तो क्या होगा, कम जाएगी तो कम पॉजिटिव होगा, तो रिड्यूस्ड यूरिया नाइट्रोजन, ठीक है, रिड्यूस्ड यूरिया नाइट्रोजन, ठीक है। तो यूरिया का आई इधर क्या फिर ताल्लुक था, क्या हुआ, यूरिया यूरिया का इधर क्या ताल्लुक था मतलब की फॉर्म में यूरिया एक्सक्रीट होती है ना, यूरिया क्या है, यूरिया क्या है, NH2 इस तरह करके कंपाउंड है ना, NH CO2। इसका बॉडी में रहना और पॉजिटिव होना और यूरिया का बॉडी में रहना ये कोई अच्छी बात तो नहीं है मतलब यूरिया क्या निकल रहा है ना, पॉइंट। देखो अच्छा नहीं यूरिया यूरिया ये वो कह रहा है, वो कह रहा है कि देखो नाइट्रोजन अगर यूटिलाइज होगी बॉडी में तो यूरिया में कन्वर्ट होगी, होगी अगर यूटिलाइज होगी है बॉडी में यानी नहीं, मसल अगर बनाने बॉडी में में यू इस्तेमाल होगी, यूज होगी फिर तो बचेगी नहीं ना, फिर यूरिया में कहाँ कन्वर्ट होगी, वो एक्सक्रीट करते हुए बचेगी शायद तो वो बचेगी नहीं तो यूरिया एक्सक्रीट कम होगी, कम होगी एक स्पीड। तो वही बात वो कह रहे हैं, समझ रहे हो, ठीक है। एक्सक्रीशन लेकिन ऑफ अगर यूरिया यूरिया नाइट्रोजन, लेकिन लेकिन अगर यूरिया एक्सक्रीट कम होगी तो बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं हो जाएगी या फिर बनेगी नहीं नहीं एक सिरे यार से, वो क्योंकि तो कन्वर्ट नहीं हो रही उसका ना, जो कन्वर्ट नहीं हो रही, सुनो सुनो सुनो, देखो अब मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं यार, बल्कि मैं इसी से समझा देता हूँ। देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या होती है, मसल के अंदर प्रोटीन होती है, मसल के अंदर प्रोटीन में जो होता है ना नाइट्रोजन इनकलकेट हो जाती है, ठीक है। अब जो बच जाती है नाइट्रोजन वो क्या होती है, यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है, बच गई भी जो बच गई है, ठीक है, 20 से लिख दिया। अब अगर बच ही कम रही है, सारे मसल ही मसल में जाई जा रही है, मसल ही मसल में जाई जा रही है, ठीक है, तो बच ही कम रही है रिड्यूस फॉर्म में, तो यूरिया की एक्सक्रीशन भी क्या हो रही है, कम इस लिहाज से वो बोल रहे, तो सारी जो नाइट्रोजन है वो यूरिया बन ही नहीं रही, वो सारी नाइट्रोजन क्या बन रही है, मसल। सही कंफर्म ठीक हो गई सही। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम कम टेस्टोस्टेरोन कैन ऑल्सो फिर हेल्प कभी मेंटेन नॉर्मल बोन डेंसिटी, नॉर्मल बोन डेंसिटी भी मेंटेन करता है जिस तरह एस्ट्रोजन करता है। द प्राइमरी क्लिनिकल यूज ऑफ एंड्रोजन इज फॉर रिप्लेसमेंट थेरेपी इन हाइपोगोनेडिज्म, जिनके हाइपोगोनेडिज्म होता है उनमें यूज होता है। एंड्रोजन हैव आल्सो बीन यूज्ड टू सिमुलेट रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन इन सर्टेन एनीमिया एंड टू प्रमोट वेट गेन्स इन पेशेंट्स एंड वेस्टिंग सिंड्रोम्स लाइक एड्स। द एनाबॉलिक इफेक्ट्स हैव बीन एक्सप्लॉइटेड इलिसिटली, एनाबॉलिक इफेक्ट जो है वो हैव बीन एक्सप्लॉइट किए गए हैं उसके, ठीक है, एक्सप्लॉइट का मतलब एथलीट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं इन मसल बल्क एंड स्ट्रेंथ एंड परहैप्स इनहैंस एथलेटिक परफॉर्मेंस। यूज ऑफ एंड्रोजेंस बाय फीमेल्स रिजल्ट इन वायरलाइजेशन हिरसुटिज्म, यानी मेल के जैसे बाल होते हैं लार्ज क्लिटरस डिपेंड वॉइस एंड मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज इन वुमेन हु आर प्रेग्नेंट विद अ फीमेल फीटस,
एक्सोजेनस एंड्रोजन वायरलाइजेशन ऑफ फीटस एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, वायरलाइजेशन हो जाती है उसकी, ठीक है। पैराडॉक्सिकली एक्सेसिव डोजेज इन मैन कैन रिजल्ट इन फेमिनाइजेशन, ठीक है, मैन में अगर ज्यादा दोगे तो फेमिनाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। ज्यादा जो है ना वो पैराडॉक्सिकल इफेक्ट करता है, पैराडॉक्सिकल, ठीक है। गायनेकोमास्टिया, टेस्टिकुलर आपको पैराडॉक्सिकल वर्ड बोलते हुए आपको श्रिंकेज एंड लगता है अच्छी सी इनफर्टिलिटी, फीलिंग आती क्योंकि है जल्दी जब सी भी बात तुम है। बड़े एक्सेंट से बोल रहे होते हो? रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनना। अच्छा आगे क्या 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 मुझे ठीक है, सुनाई नहीं आपको दिया। हेलो, पैराडॉक्सिकल इफेक्ट बोलते हुए जरा अच्छा लगता है, इसलिए बड़ा खींच के बोल। हाँ, तो खैर, तो एक्सेसिव डोजेज मैन कैन रिजल्ट इन फेमिनाइजेशन एज अ रिजल्ट ऑफ फीडबैक इनहिबिशन ऑफ पिट्यूटरी एंड कन्वर्जन ऑफ एक्सोजेनस एंड्रोजेंस टू एस्ट्रोजेन। तो वो क्या कहता है, इनहिबिशन ऑफ पिट्यूटरी एंड कन्वर्जन ऑफ एक्सोजेनस एंड्रोजन टू एस्ट्रोजन। तो अब क्या होता है, देखो, अब वो फीडबैक जो है ना वो जाई जा रहा है, पिट्यूटरी जो है वो आगे से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ही नहीं बनाएगा ये, बल्कि बना हुआ है यार, मैं क्यों बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हाइपोथैलेमस जीएनआरएच सीक्रेट करता है, जीएनआरएच के अग्रणी सेंट्रल यहाँ पे करता है, वो पिट्यूटरी पे जाता है, पिट्यूटरी एलएच सीक्रेट करता है, वो टेस्टिस पे जाता है, ठीक है। टेस्टिस से जो वो बनता है टेस्टोस्टेरोन, उसमें कीटाकोनाजोल जो है इनहिबिटरी रोल प्ले करता है। टेस्टिस से जो टेस्टोस्टेरोन बनता है, ठीक है, एलएच से जो टेस्टोस्टेरोन बनता है, मतलब अब इसमें कहाँ था टेस्टोस्टेरिन डायुरेटिक्स कीटाकोनाजोल। भी पंगा कर रहा है स्पाइरोनेक्टिन। हाँ, देखो यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरोन से बनता था ना, वो उसमें भी ये क्या कहते हैं हेल्प करता, वो इसको ब्लॉक करता है प्रोजेस्टेरोन से, और क्या कहते हैं एलएच से। तो एलएच से जो टेस्टोस्टेरोन बने और प्रोजेस्टेरोन से जो एस्ट्रोजन बने, उसमें ये रिड्यूस करता है, और फिनेस्टेराइड जो है वो हमारा मशहूर एंजाइम इधर आ जाता है, वो सॉरी इनहिबिटर आ जाता है, जो डाइहाइड्रोस्टेरोन में कन्वर्ट होने से बचाता है। डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है वो एक्टिव फॉर्म है, डाइहाइड्रोस्टेरोन से फिर फ्लूटामाइड आ जाता है, फ्लूटामाइड भी हमने पढ़ा है, ठीक है, और सिप्रोटीरोन वो हमने नहीं पढ़ा, स्पिनोलैक्टोन आ जाता है, ठीक है। तो पोटेशियम स्पेरिंग डायुरेटिक का भी हमारे पास क्या एक्शन है, इनहिबिटरी एक्शन है, एंड्रोजन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स नहीं बनने देते, अभी तो फिर फिगर एंड्रोजन पे पढ़ रिस्पॉन्स लेते एलिमेंट हैं, नहीं जाता। कंट्रोल ऑफ एंड्रोजन सिक्रीशन। एंड एक्टिविटी और एंड सम साइट ऑफ एक्शन ऑफ एंटी एंड्रोजन कंपेटिटिव इनहिबिटर जनरलाइज स्टिमुलेशन और इनहिबिशन, जो वही उसने बताया। अच्छा, तो यार ये हम पढ़ रहे थे पैराडॉक्सिकली ये किसी ने क्रॉप कर के भेजी हो ना एक्सेसिव डोजेज। आपकी, ये जो और रिकॉर्ड हो रहा है। एक अच्छा बार अच्छा एक जरा ये देख तो कि सम स्टिमुलेंस, साइट ऑफ एक्शन ऑफ एंटी एंड्रोजन, एंटी एंड्रोजन यानी जो उनको एंड्रोजन को खत्म कर रहे हैं, सही है, और एंड्रोजन की सिक्रीशन दिखाई, ये दोनों क्लियर हो गया। आगे क्या बताया इसने, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन ऑफ जीएनआरएच बताया, कॉम्पिटेटिव हां वो जीएनआरएच एग्निस्ट एंटागनिस्ट ऊपर लड़ रहे हैं आपस में, दोनों के माइनस ऊपर लगे हुए हैं ना, जीएनआरएच एग्निस्ट के साथ भी माइनस लगा हुआ है, तो दोनों कॉम्पिटेटिवली लड़ रहे हैं। आगे क्लिनिकल स्टिमुलेशन और इनहिबिशन बाय वो, ठीक है, इनहिबिशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस वो भी दिखा दिए, इनहिबिशन ऑफ डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बाय फिनेस्टेराइड। अच्छा फिनेस्टेराइड जो है वो मशहूर है जमाना है डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन के लिए, ठीक है, इनहिबिशन ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग एड्रेस रिसेप्टर बाय फ्यूटामाइड एंड अदर ड्रग्स, ठीक है, एंड में जो एंड्रोजन को रिसेप्टर से जोड़ने से रोकते हैं वो फ्यूटामाइड से रूटोनेट और स्पाइरोनेक्टोन है, सही है, पिक्चर डन हो गया। एंटी हाइड्रोजन पे हम जा रहे हैं जो भी हमने यहाँ पिक्चर में देखे हैं। नहीं, ये थोड़ा सा रह गया था। फीडबैक इनहिबिशन जो है ना उसको ब्लॉक करते हैं, एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड कैन कॉज कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्टेटिक जॉन्डिस ना, ठीक है। तो अभी हम गए थे पिछले दिनों उधर मेडिसिन वार्ड है ना, तो उधर एक जॉन्डिस की बड़ी अच्छी पेशेंट थी, तो वो ना वो क्या कहते हैं ना, वो अम्मा जी की ना पहले तो हमने पूरी हिस्ट्री ली ना फुल डिटेल में, कि सर से लेके पाँव तक कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, कोई आँख का, कोई मुंह का, कि इस तरह कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही क्या कहते हैं ना हम ना उनकी आँख से वो जॉन्डिस चेक करी जाए ना, एक बंदा है, फिर दूसरा बंदा है, फिर तीसरा बंदा है, वो इतनी ताक हो गई, बोलती है मैं आँख बनाई है बच्चा, मैं आँख बनाई है मतलब मैंने बनवाई है आंख ना, मतलब पहले हम पूछते रह गए आपने कोई ऑपरेशन वगैरह तो नहीं किया, पहले कहती नहीं किया, फिर एकदम उन्होंने कह बोलती क्या जो आ रहे आंख में की जा रहे हैं मेरी, तो वो सही गुस्सा हो गई थी, तो वो एकदम बड़ा फनी याद आ गया। तो खैर क्या कहते हैं, पिचुट्री जो है ना हार्मोन उसको ना बार बार जाती रहती है कि भाई
वो जो अम्मा परेशान हो जाती है ना, हमने पहले डिस्कस किया था कि वो क्या होता है कि यानी फॉर एग्जांपल ये पिचोटरी है, ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन बना रहा है, ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास ये तो बनाता रहेगा, ठीक है, नॉर्मली उसको फीडबैक मिलती रहेगी, ठीक है, लेकिन अगर इसको एक्सेसिव फीडबैक मिलने लगती, क्योंकि हम टेस्टोस्टेरोन बाहर से ला रहे हैं, ठीक है, तो एक्सेसिव फीडबैक मिलती रहेगी ना, तो ये कहेगी कि भाई मैं तो बनाना ही बंद कर देती हूँ, इतनी इतना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन हो गया बॉडी में, तो पिचोटरी बनाना बंद कर देती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो टेस्टीज हैं वो बेकार होने लग जाते हैं। वो बेकार किस तरह होने लगते थे, यानी वो अब बनाना काम छोड़ देते हैं, वो फैक्ट्री छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हाइपोगोनेडिज्म की तरफ बंदा जाना शुरू हो जाता है। कोलेस्टेटिक तो जॉन्डिस से ये क्या है, मतलब है? कोलेस्टेटिक यानी वो क्या कहते हैं, जिसमें बाइल प्रोड्यूस होता है, बाइल का लफ्ज कोली से याद रखना है, कोली हमेशा बाइल से यूज होता है, तो बाइल की वजह से जो जॉन्डिस होता है ना, वो क्या कहते हैं हमारे पास, वो होता है एलिवेशन ऑफ लिवर एंजाइम लेवल्स एंड पॉसिबली हेपेटो सेलुलर कार्सिनोमा भी हो सकता है, दैट्स ठीक है, एंटी एंड्रोजन। कोलेस्टेटिक जॉन्डिस, एलिवेशन एंड एंटी एंड्रोजन, रिडक्शन ऑफ एंड्रोजन इफेक्ट इज एन इंपॉर्टेंट मोड ऑफ थेरेपी फॉर बिनाइन एंड मेलिग्नेंट प्रोस्टेट डिजीज, ठीक है, तो एंड्रोजन का इफेक्ट अगर कम करे ना, तो वो क्या कहते हैं इफेक्टिव है हमारे लिए बिनाइन एंड प्रोस्टेटिक मेल डिजीज के लिए, मेल डिजीज, प्रीकॉशियस प्रोबर्टी, हेयर लॉस एंड हिर्सुटिज्म में एंटी एंड्रोजन इफेक्ट बड़ा काम करता है, ठीक है, और ड्रग्स आर अवेलेबल दैट आर डिफरेंट साइट्स इन द एंड्रोजन पाथवे, फ्लूटामाइड आर रिलेटेड ड्रग्स, फ्लूटामाइड आर रिलेटेड ड्रग्स एग्जांपल बिक्लुटामाइड, नीलुटामाइड, एंजुलुटामाइड, अमाइड वमाइड वाली ना, तो उसमें फ्लूटामाइड बस याद रखनी है, अनाउंस एडरेनल कंपेटिटिव एंटागनिस्ट ऑफ एंड्रोजन रिसेप्टर, दी ड्रग्स आर यूज्ड टू डिक्रीज द एक्शन ऑफ एंडोजीनियस एंड्रोजेंस इन पेशेंट्स विद प्रोस्टेट कार्सिनोमा, स्पिनल इलेक्ट्रॉन और ड्रग यूज प्रिंसिपली एज पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक, ऑल्सो इनहिबिट्स एंड्रोजन रिसेप्टर्स एंड इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हिर्सुटिज्म इन वोमेन, ठीक है, इनहिबिट करता है एंडोजन रिसेप्टर को इनहिबिट करता है, तो क्या होगा कि वो तो यू उसका गेट द अलग होता है, ट्रीटमेंट ऑफ वो तो हिर्सुटिज्म वोमेन। स्पाइरल इलेक्ट्रॉन का बताया, फ्लूटामाइड का तो नहीं बताया। वो ये जो एंड में जो लिखा हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ रिसुटिज्म, फ्लूटामाइड का ट्रीटमेंट तो प्रोस्टेट कार्सिनोमा है, क्या दोनों का अलग अलग है? अगर मैं गलत नहीं, ये हाँ सही है? हाँ दोनों अलग 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 अलग। अच्छा, अब 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स, टेस्टोस्टेरोन इज कन्वर्टेड टू डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बाय द एंजाइम 5-अल्फा रिडक्टेज, सम टिश्यू मोस्ट नोटेबली प्रोस्टेट एंड हेयर फॉलिकल डिपेंड ऑन डायहाइड्रोटेस्टेरोन रादर देन टेस्टोस्टेरोन फॉर एंड्रोजेनिक रेगुलेशन, दिस एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय फिनस्टेराइड, इज अ बढ़ चुके हैं ड्रग यूज्ड टू ट्रीट बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया एंड इज एट लोअर डोजेज टू प्रिवेंट हेयर लॉस इन मैन बिकॉज द ड्रग डज नॉट इंटरफेयर, जो भी एंटी एंड्रोजन है वो हेयर लॉस प्रिवेंट करते हैं, बिकॉज द ड्रग डज नॉट इंटरफेयर विद द एक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, इट इज लेस लाइकली अदर देन अदर एंड्रोजन टू कॉज इम्पोर्टेंस इनफर्टिलिटी एंड लॉस ऑफ लिबिडो, ड्यूटास्ट्राइड इज अ 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर विद अ मच लॉन्गर हाफ लाइफ देन दैट ऑफ फिनस्टेराइड, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स एंड एंटेगनिस्ट, ठीक है, जीएनआरएच के एनालॉग्स एंड एंटेगनिस्ट, सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन सिक्रीशन स्पेशली एलएच रिड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है ना वो कम कर देती है गोनाडोट्रोपिन की सिक्रीशन की कमी, दिस कैन इसके बी जो इफेक्टली एडवर्स एज अ क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स मैंने ग्रुप, बताए हैं वो लॉस ऑफ लिबिडो, एक इनफर्टिलिटी, दो इम्पोर्टेंस, चार बस, बाकी ड्यूटेस्टेराइड का ये बताया कि वो नहीं भी है होते, ये लॉन्ग। नहीं होते, ये लेस लाइकली है कि इस तरह हो, लेस लाइकली है इम्पोर्टेंस हो, लेस लाइकली है इनफर्टिलिटी हो, लॉस ऑफ लिबिडो, क्योंकि ये बड़ा अच्छा इनहिबिटर है, ठीक है, तो ये टेस्टोस्टेरोन को कुछ नहीं करता, ये आगे से जो टेस्टोस्टेरोन आगे पंगे करता है ना उसको रोकता है, ठीक है, तो गोनाडोट्रोपिन एनालॉग, और ये क्या हम पढ़ रहे थे, हाँ ये पढ़ रहे थे, सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन सिक्रीशन स्पेशली एलएच रिड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, दिस कैन बी इफेक्टली बोलते हैं कि सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन सिक्रीशन यानी एलएच की जो है हमारे पास कम सिक्रीशन रिड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, एलएच कम होगा तो टेस्टोस्टेरोन भी कम होगा, दिस कैन बी इफेक्टिवली अकम्प्लिश विद द लॉन्ग एक्टिंग डिपो प्रिपरेशन ऑफ ल्यूप्रोलाइड और सिमिलर जी एन आर एच एगेनेस्ट, दीज एनालॉग्स आर यूज इन प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में यूज होते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ थेरेपी, ठीक है, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में इस्तेमाल होंगे हमारे पास, ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ थेरेपी एंड एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागनिस्ट फ्लूटामाइड इज एडेड टू प्रिवेंट द ट्यूमर फ्लेयर एंड कैन रिजल्ट फ्रॉम द सर्ज ऑफ टेस्टोस्टेरोन, दिस इज कॉज्ड बाय सर्ज रिड्यूस फ्रॉम द कैन रिजल्ट फ्रॉम द सर्ज इन टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस कॉज्ड बाय इनिशियल एगेनिस्ट एक्शन ऑफ जीएनआरएच एक्शन विद सेवरल वीक्स टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन फॉल्स टू लो लेवल, सेवरल वीक्स में क्या होता है टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन फॉल कर जाती है लो लेवल पे एज डिस्कस्ड इन चैप्टर 37, इज एडेड, फ्लूटामाइड इज एडेड
प्रिवेंट द ट्यूमर फ्लेयर। ट्यूमर फ्लेयर का क्या मतलब है, जो ये वाली लाइन है पूरी इसका, ये ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ ट्यूमर थेरेपी जो है ना, प्रोसीड। वो ट्यूमर जो है ना वो, और वो ना मतलब क्या कहते हैं उसे, और स्प्रेड करता है, या और उसकी ना वो आती है क्या कहते हैं, इफेक्ट और ज्यादा आता है, ठीक है, एकदम वो शाइन करता है इफेक्ट, ठीक है। तो ट्यूमर फ्लेयर दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम द सर्जन टेस्ट, जब शुरू में हम एग्नेस देते हैं ना, शुरू में हमने बात की है कि शुरू में जो होगा ना वो क्या करेगा, एग्नेस्ट एक्शन परफॉर्म करेगा, फिर एंड पे जो है ना एंटेग्नेस्ट एक्शन परफॉर्म करता है, जिस तरह हमने बताई थी कि हमारे पास देखो ये हमारे पास पिच्यूटरी है, ठीक है, पिच्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। अब ये क्या हमारे पास ये टेस्टोस्टेरोन बना रहा है, अब शुरू में हम टेस्टोस्टेरोन ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन में इजाफा होगा, ऐसा ही है। लेकिन अगर हम ज्यादा अमाउंट में ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा, पिच्यूटरी समझेगी कि टेस्टोस्टेरोन ही टेस्टोस्टेरोन हो गया, वो अपना बंद कर देगी, ठीक है, और हम यही तो चाह रहे हैं, ठीक है। अगर पिच्यूटरी का बंद कर दे तो फिर क्या होगी, इसकी ड्रास्टिक डिक्रीज आएगी लेवल में, इस तरह होता है। तो शुरू में जो है वो टेस्टोस्टेरोन का पॉजिटिव इफेक्ट होगा एग्निस्ट का, एग्निस्ट यानी सेम एक्शन जो परफॉर्म करता है, लेकिन बाद में क्या होगा, नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, ठीक है। विद इन सेवरल वीक्स टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन फॉल्स टू लो लेवल्स, वही जो बात कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन लो लेवल पे चली जाती है, एज डिस्कस्ड इन चैप्टर 37, एंटागनिस्ट एब्रिलेक्स एंड गैनरिलेक्स आर अप्रूव्ड फॉर एडवांस्ड एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर। कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर यूज्ड इन वुमेन विद एंड्रोजन इंड्यूस्ड हिर्सुटिज्म, यानी कंबाइंड जो वो तुम पढ़ चुके हैं, द एस्ट्रोजन इन द कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट्स टू लेवर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एसएचबीजी। एसएचबीजी हमने क्या पढ़ा पीछे, सेक्स हार्मोन जल्दी बाइंडिंग से प्रोटीन, बताओ। एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो थी, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जिसका टेस्टोस्टेरोन बाइंड करके एक कंपाउंड बना रहा था, डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन प्रोस्टेट बाइंडिंग के। ग्लोबुलिन रिड्यूसेस द हाँ कंसंट्रेशन ऑफ फ्री एंड्रोजन इन द ब्लड दैट इज कॉजिंग मेल पैटर्न ओवर कीटोकोनाजोल। टाइम क्या हो गया, जो बस जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। कीटोकोनाजोल एज एन एंटी फंगल इनहिबिट्स द गोनाडल एंड एडिनल स्टेरॉइड सिंथेसिस, द ड्रग हैज बीन यूज्ड टू सप्रेस एडिनल स्टेरॉइड सिंथेसिस इन पेशेंट विद स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिव मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर। तो बोलते हैं कि ये सप्रेस करने में एडिनल स्टेरॉइड सिंथेसिस इन पेशेंट विद स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिव मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर में भी ये यूज होती है, तो ये भी प्रोस्टेट कैंसर में, मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर में यूज होगी। अ टीनेजर सीक्स पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन विल बी इफेक्टिव फॉर दिस, बोथ हम पार्ट चुके हैं, पोस्ट कोइटल में कौन सी हमारे ये पास, क्या आप एमसीक्यू पे आ जिसका गया, हाँ खत्म हो गया कीटोकोनाजोल ना। वाला पढ़ा है आपने, कीटोकोनाजोल वाला पढ़ लिया था। एक मिनट यार, मैंने आप किधर पैराग्राफ गए नहीं हो, पढ़ा इज एन एंटीफंगल ऊपर वाला, वो हाईलाइट कर रहा था कि उसका एक और इनहिबिट्स क्वेश्चन भी उसने गोनाडल, बताया था ना SCBH का, वो देखो कि उसने कहा कि SCBH ही वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो बन रहा है वही कल्प्रिट है हेयर हिरिचुरिज्म कॉज करने के लिए, ये इफेक्ट था इसको हाईलाइट कर रहा था, ताकि उन्होंने कहा था जब हम सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन को कम करते हैं तो हेयर्स खत्म हो जाते हैं, वो है रिचरिज्म। उसका कीटोकोनाजोल का लिखा था कि एंटी फंगल है, इनहिबिट करता है गोनाडल एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस, ठीक है, वो सप्रेस करता है क्या एड्रिनल स्टेरॉइड सिंथेसिस इन पेशेंट्स, एक स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो अब इसके जो एक्सक्यूज है, जल्दी से जाते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट मैं आया हूँ, एक मिनट हाँ हुआ क्या करते हैं, आवाज आ रही है। हाँ जी हाँ जी आवाज आ रही है, लेकिन बहुत दूर से आ रही है, इतने दूर से कोई याद ही नहीं। अब वॉइस क्लियर है। हाँ जी अब बेहतरीन। अच्छा यार, इसके एमसीक्यू बहुत डिटेल पे हमने कर रहे हैं, मैंने बाकी सारे किए हुए थे पहले कैटजम के, थोड़ी इजी रस्ते में एक एक आंसर, इसको थोड़ा कोई रिसोर्स तो हो जाए लेकिन थोड़ा डिटेल से, ताकि रिकॉर्डिंग के दौरान फिर कुछ पीछे फील हाँ ना रह सही, जाए, लिंक भी कर लेंगे टैग से, कोई नहीं 10 ही एमसीक्यू हाँ नहीं वो कमी नहीं, रिवाइज हो। वो मैं करता हूँ। देखो अब पोस्ट क्वार्टल कॉन्ट्रासेप्शन में बोल रहा है कौन सी ड्रग यूज करेंगे हम लोग पोस्ट क्वार्टल में, देखो पोस्ट क्वार्टल में पोस्ट क्वार्टल में प्यूबरेशन हम लोग,
पोस्टकोइटल यहाँ पढ़ा था ना, नार्जिस्टेरोन, एजेस्टेरोन और कंबाइंड, इधर क्या लिखा है? नार्जिस्टेरोन तो नहीं लिखा, एस्ट्रोजन ये स्ट्रोन तो नहीं पोस्टकोइटल देखो, लिखा। इतना इतना अंडरलाइन है पोस्टकोइटल। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, अच्छा यहाँ पे हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है, एनर्जेस्टल ये है, ठीक है, पोस्टकोइटल और कहाँ पढ़ा है हमने, और तो टेबल से, मैं तो टेबल से भी देख के बता रहा था, स्टेंसल उसमें भी सिर्फ ही एंडेटरबॉक्स। लिखा हुआ था। एक सेकंड अभी सर्च कर लेते हैं यार, कोई टेंशन नहीं है, इसका आंसर भी लिखा कोई हुआ है, टेंशन ही नहीं है। इसका आंसर वो आंसर लिखा जो, इसका आंसर में लिखा देखो पोस्ट मिफिप्रिस्ट्रोन, मेनोपॉजल हार्मोन, मिफिप्रिस्ट्रोन लिखा हुआ है, जबकि टेबल में मिफिप्रिस्ट्रोन जो है इन्होंने अबॉर्टिव पेशेंट में लिखा हुआ है कि अबॉर्ट और ट्यूशन भी है। और पता नहीं मिफिप्रिस्ट्रोन हर जगह डाल रहे हैं, क्वेश्चन में भी डाला, अभी क्वेश्चन में भी डाला, और अब इसके आंसर में जो प्रिंट हुआ है उसमें इन्होंने किसके ट्रीटमेंट में डाल दिया, पोस्टपार्टम कॉन्ट्रासेप्शन में। ये भी देखो इसका मिफिप्रिस्ट्रोन डाला हुआ है और लिखा हुआ है कि ये एंड एगनिस्ट है एट प्रोजेस्टेरोन एंड ग्लुकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स, और इसका जो होता है ल्यूटोलिटिक इफेक्ट आता है, ल्यूटोलिटिक इफेक्ट आता है एंड इट इज इफेक्टिव एज पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव व्हेन कंबाइंड विद एस्ट्रोजन, इट इज आल्सो एन इफेक्टिव अबॉर्टिव पेशेंट। इन्होंने इफेक्टिव अबॉर्टिव पेशेंट को उधर हाईलाइट किया ही नहीं है, जबकि अबॉर्टिव पेशेंट में लिखना चाहिए था। बुक्स की भी मिस्टेक्स हम निकाल रहे हैं, जब सुनेंगे बाकी तो उनको भी पता लगेगा हर बुक्स में मिस्टेक हो सकती है। सवाल उसमें नहीं मेंशन, लेकिन मिफीप्रिस्टोल जो है ना वो सबसे क्लोजेस्ट है, क्योंकि असल में वो भी ना एंटी प्रोजेस्टिन है ना, तो प्रोजेस्टिन के अगेंस्ट करती है, तो प्रोजेस्टोन जो है वो तो हमारे पास कॉन्ट्रासेप्शन, वो क्या कहते हैं पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्शन, पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्शन। ये देखो अबॉर्टिव पेशेंट का सिंटेक्स में भी लिखा हुआ है एंटी प्रोजेस्टिन, एंड्रोजन से ऊपर जो है टाइटल उसके अंदर मिफिप्रिस्ट्रोन खोलो ना जरा, उसमें देखो लिखा हुआ है थर्ड लाइन में, इट इज मेजर यूज है, इट इज मेजर, हाँ ये देखो अबॉर्टिव पेशेंट अर्ली प्रेगनेंसी में, और कॉम्बिनेशन भी लिखी हुई है कि कॉम्बिनेशन इसकी और प्रोस्टाग्लैंडिन ए की अचीव करती है कंप्लीट अबॉर्शन इन 50% 95% ऑफ प्रेगनेंसीज में। हाँ हाँ ना, इधर हमारा क्वेश्चन में क्या हाँ, पूछा था आपने? अर्ली हाँ प्रेगनेंसी का मतलब यही है, अर्ली प्रेगनेंसी का मतलब यही है, पोस्ट क्वार्टल जिसे कहते हैं, हमारे पास जल्दी जो हो जाती है ना, हमारे पास वो उसमें जो यूज होती है ना, वो हमारे पास ये है पोस्ट क्वार्टल, जल्दी 49 जल्दी डेज जल्दी आ आफ्टर द जाती लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ये भी बात है ना, 49 है। मैं डेज आपको दिखाता हूँ, आफ्टर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ पोस्ट क्वार्टल का मतलब बताऊँ क्या है, कि यानी फौरन से आफ्टर इंटरकोर्स, ठीक है, तो इंटरकोर्स के फौरन बाद जो यूज होती है ना, वो हमारे पास पोस्ट क्वार्टल कहलाएगी ड्रग, ठीक है, तो उसमें जो है ना ये वाली आ जाती है, यानी फौरन से जो यूज होने वाली है ना उसमें ये है, ठीक है। एक और हमने पढ़ी थी जो 3 दिनों में इस्तेमाल करना, ठीक है, 3 दिनों में के बाद अगर फौरन इस्तेमाल करना, वो भी निकाल लेते हैं हम, जो 3 दिनों के अंदर इस्तेमाल करने वाली ड्रग वो कौन सी थी, 72 करके कुछ था उसमें, हाँ पोस्ट क्वार्टल वो है जो 72 आवर्स के अंदर ही एडमिनिस्टर कर ली जाए, ठीक है। ओरल प्रिपरेशन कंटेनिंग प्रोजेस्टिन अलोन एस्ट्रोजन अलोन द कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड ये यूज होते हैं, ठीक है, तो इसमें ये हमारे पास है, और ये भी हमारे पास अर्ली प्रेगनेंसी में है, देखो ये अर्ली प्रेगनेंसी में, इन अर्ली प्रेगनेंसी, ठीक है, अबॉर्ट इफिशियंट इन अर्ली प्रेगनेंसी, तो अर्ली प्रेगनेंसी में ये भी सही है, नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट पास नेक्स्ट यूज। नेक्स्ट, क्लियर क्लियर क्लियर। यह तो दोनों करेंगे इसमें, हम तो हमसी को हमने ऐसा बेड़ा बनाया है। अच्छा तो डिजायर द कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर प्रेगनेंसी प्रोटेक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट फैक्टर वुड लीड टू अ हेल्थ प्रोफेशनल टू रिकमेंड एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, तो एविडेंस ऑफ हिर्सुटिज्म नहीं, हिस्ट्री विच ऑफ ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक टू लीड, फिक्स, वो कह रहा है कि नहीं, कोई एमसीक्यू का कह रहा है हमसे, उसकी डिजायर है कि वो इस तरह करे प्रोटेक्टिव नेस के साथ, लेकिन लास्ट लाइन में क्या कह रहा है कि कौन सा फैक्टर है जो एक हेल्थ प्रोफेशनल को क्या करवाएगा? देखो देखो वो कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल
हम ना ए ड्रग देते हैं कॉन्ट्रासेप्शन में, ए ड्रग, ठीक है। अब हाँ हम कौन सा ऐसा फैक्टर देखेंगे वो पेशेंट में कि हम कहेंगे कि नहीं ए नहीं देनी हमने, हमने बी देनी है, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है कि तो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की कोई टॉक्सिसिटी या कोई ऐसी चीज बताओ जिसकी वजह से आप हेल्थ प्रोफेशनल्स उसको चेंज करवाएंगे। जी हाँ, एविडेंस ऑफ अच्छा हिर्सुटिज्म, हिर्सुटिज्म तो इतना बड़ा मसला नहीं है। हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स तो हमने पूरी बुक में नहीं पढ़ा, हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ये भी नहीं पढ़ा हमने, हिस्ट्री ऑफ माइग्रेन हेडेक विद वेल कंट्रोल हमने पढ़ा है। शी प्लान यूज दिस कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर अबाउट 1 ईयर एंड उधर तो अटेम्प्ट टू ई इसका विद्रॉ। आंसर लगा था लेकिन पीछे इसका डी लिखा हुआ है। देख लेते हैं अभी माइग्रेन, अभी सर्च करूंगा अभी आ जाएगा, देखना। लिखा हुआ है कि एस्ट्रोजन हेलो, कंटेनिंग हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं एपिसोड ऑफ माइग्रेन। हमने पढ़ा है माइग्रेन जी, देखो डोज डिपेंडेंट टॉक्सिसिटी इंक्लूड माइग्रेन, ये किसकी है? डोज किसके अंदर डिपेंडेंट, ये एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और ड्रग्स की क्या है? डोज डिपेंडेंट टॉक्सिसिटी इंक्रीज जिसको माइग्रेन हेडेक्स एंड थ्रोम्बोटिक इवेंट्स, यहाँ तो ठीक। एस्ट्रोजन का उसका जिक्र नहीं था वैसे, सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव का था, तो सारी कॉन्ट्रासेप्टिव एस्ट्रोजन तो नहीं होती शायद, या होती है। ई वो नहीं, वो कंबाइंड होती है ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कंबाइंड होती है। ऑप्शन क्यों नहीं है, वो भी तो हो सकता है या नहीं। नहीं, ये ऑप्शन में तो कोई रेलेवेंट इस तरह है नहीं ना, वो कह रहा है कि वो बस पूछ रहा है कि यानी अगर शी प्लान टू यूज दिस कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर अबाउट 1 ईयर देन शी देयर विल बिकम। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा दो नहीं इसका फिर ई ऑप्शन नहीं हो नहीं सकता, नहीं तो इसमें जी ऐसा हमारे होता पास, जा क्योंकि रहा वो है। तो अच्छी कॉन्ट्रासेप्टिव हम जो यूज करते हैं, क्या कह रहे हैं? टाइम मीटिंग का भी कम हो रहा है ऊपर वो भी कम हो रहा है, चलो लेकिन समझ के करते हैं ये भी है। नेक्स्ट मतलब जल्दी जल्दी करते हैं इंशाल्लाह। तो क्या कहते हैं, तीसरा देखो वो शी प्लान्स टू यूज दिस कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर अबाउट 1 ईयर एंड दे विल अटेम्प्ट टू बिकम प्रेग्नेंट। वो कह रहा है कि वो इस वजह से नहीं देंगे हम ड्रग के, वो क्या कहते हैं 1 साल बाद दोबारा प्रेग्नेंट होना चाहती। नहीं भाई, वो तो किसी भी ड्रग में हो सकती है, ये तो इसका तो खास कोई नहीं है इसके साथ लेना देना, ठीक है। चलो वो ठीक कोई है, फिर एडवर्स भी क्लोजेस्ट ऑप्शन डी है, वो सही समझ गया। तीसरा मैन हु यूज लार्ज डोजेस ऑफ एनाबोलिक स्टीरॉयड आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ व्हाट? एनीमिया, कोलेस्ट्रॉल, एनीमिया नहीं पढ़ा हमने, कोलेस्टेटिक जानजा, हाँ ये याद, थोड़ा टिक वो कर रहा है ब्रेन में। हिर्सुटिज्म, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया ये भी हो सकता है, लेकिन कोलेस्टेटिक जानजस मेरे ख्याल में सबसे क्लोजेस्ट है, देखते हैं। हाँ, कोलेस्टेटिक जानजस वो हमने ऊपर पढ़ा भी है, यहाँ पे ये बाकी मेल क्यों में नहीं अगर हम है, ज़्यादा बाकी यूज करेंगे क्या भी तो मेल हुआ? में होते हैं, मेल में बाकी चीजें भी होती है, टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट भी हो सकता है अगर स्टेरॉइड ले रहा नहीं है, नहीं बाल भी लगा टेस्टिकुलर सकते श्रिंकिंग हैं। होती है भाई, भाई टेस्टिकुलर हाँ श्रिंकिंग होती है ना, टेस्टिकुलर श्रिंकिंग होती है, बहुत नहीं, सेक्सुअल स्टेरॉइड में हाइड्रोसिस एंड मैंने टेस्टोस्टेरोन है ना, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा लेगा तो फिर क्या होगा वो आपको बताया था टेस्टिकुलर टेस्टोस्टेरोन एनलार्जमेंट। टेस्टिंग कर देंगी, काम की नहीं रहेंगी। अब एक अच्छा बंदा है, लेकिन मैं हूँ, मेरा काम आप करते जाओ, सारे मेरे काम आप करते जाओ, मैं घर में बैठा रहूंगा, मैं क्या हो जाऊंगा? सुस्त हो जाऊंगा ना, काहिल हो जाऊंगा, मैं काम करना मतलब छोड़ क्या, दूंगा, और चलो ये आपने ठीक है। समझ आ हाँ, गई, और हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया क्यों नहीं है उसका, प्रोलैक्टिन का कोई लिंक नहीं है, प्रोलैक्टिन में कोई लिंक नहीं है, और बाल हिरुचरिज्म वो तो नहीं, वो तो उल्टा काम होंगे यार, ज्यादा क्यों होंगे, गिरने शुरू हो जाएंगे, मैंने बताया नहीं है। हेयर लॉस। अच्छा ठीक है, और एनीमिया का भी, चलो ठीक है। नेक्स्ट अपॉर्टी रोड मैन क्या है, पॉजिटिव मेमोग्राम अंडरगोज लूपेक्टोमी स्मॉल कार्सिनोमा रिमूव किया गया बाय कंप्यूटर एनालिसिस रिवील द प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन प्रेजेंट है, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स, और एस्ट्रोजन और ये दो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। तो आई गेस ये मुझे मिफेप्रिस्टोन की तरफ धकेल रहे हैं कि वो इन रिसेप्टर्स के ब्लॉकर है, लेकिन ये तो फिर नहीं, वो वैसे तो पक्का एंटी लग रहा है। प्रोजेस्टिन है ना, वो तो खाली एंटी प्रोजेस्टिन है। देखो डेनाजोल तो हमने पढ़ा है, वो तो एंड पे थी, ठीक है, वो उसका इतना कोई लेना देना नहीं है, दोनों रिसेप्टर के साथ हमें ये क्वेश्चन मिक्स आप चाहिए पूछ क्या कोई। रहे हैं, ये इन्होंने कहा है कि हम उसके पूछ रहे कैंसर हैं ने कि कौन रिवील सा किया कि ब्लॉकर, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर्स हैं,
कौन सा बेस्ट ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव है जो क्या कहते हैं एस्ट्रोजन भी होता है उसके अंदर और प्रोजेस्टेरोन भी होता है, वो ये पूछ रहा है। कॉन्ट्रासेप्टिव का तो वर्ड ही आयुज नहीं हुआ, ये तो उसको कैंसर है, मेमोग्राम, लुपेक्टोमी, स्मॉल कार्सिनोमा रिमूव किया गया, बस ये पहली लाइन में लिखा है। उसके बाद उसने कहा उसके कैंसर ने रिवील किया कि उसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर्स हैं। यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के अब जो बकिया कैंसर ठीक है ठीक हाँ जी आ रही, हाँ जी आ रही, आ रही, जल्दी जल्दी। रिकॉर्ड से बस खत्म करते हैं एमसीक्यू, चार तो हो गए हैं बस, बाकी जल्दी से खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो
हम थे देखें ये सबसे पहले ये वाली लाइन पढ़े, ये मिफीपिस्टोन पढ़े। मिफीपिस्टोन में कहीं रिसेप्टर का जिक्र है? जल्दी से पढ़ ले। किसके साथ? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। हाँ, अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और प्रोजेस्टोन ना, खाली मतलब जो हमारे काम का एमसीक्यू में वो प्रोजेस्टोन का रिसेप्टर है, ठीक है। और उसमें भी क्या है, कंपेटिटिव इनहिबिटर है। कंपेटिटिव यानी इसकी अमाउंट ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, तब जाके इनहिबिट करेगा। हाँ, एस्ट्रोजन का जिक्र भी नहीं है, और कंपेटिटिव इनहिबिटर है यानी बहुत ज्यादा अमाउंट ज्यादा होगी तब जाके जो है ब्लॉक करेगा, ठीक है। अब उसके मुकाबले में टेमोक्सिफेन, अब उसके मुकाबले में पढ़ो ना, प्रिवेंट रिसेप्टर एक्टिवेशन, ठीक है, एंटेगनिस्ट टू प्रिवेंट, मैं कह रहा हूं टेमोक्सिफेन एक्ट्स एज एन एंटेगनिस्ट टू प्रिवेंट रिसेप्टर एक्टिवेशन बाय एंडोजेनस वो एस्ट्रोजन, और ये एंटेगनिस्ट है, वो नहीं कंपेटिटिव नहीं है, यानी ये कंप्लीटली जो है ना उसको ब्लॉक करता है, ठीक है। प्रोजेस्टोन का नहीं है, प्रोजेस्टोन का नहीं है, लेकिन एगनिस्ट एंड एंटेगनिस्ट ऑफ एस्ट्रोजन है मेनली, एस्ट्रोजन के लिए, ठीक है। तो उसमें जो है ये क्या कहते हैं मेनली यूज होता है, ठीक है। और इसका ये है कि साथ साथ वही मैंने आपको बताया था ना कि कंपेटिटिव एंटेगनिस्ट है, वो है कंपेटिटिव एंटेगनिस्ट, यानी उसकी बहुत ज्यादा अमाउंट देनी पड़ेगी, ये बस थोड़ा सा देना पड़ेगा तो हो जाएगा इसकी अवेलेबल। हाँ, टेमोक्सिफेन, ठीक है। बायोकेमिकल एनालिसिस शो प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर व्हिच विल बी गिवन फॉलोइंग ड्रग्स। तो इसका ये पढ़ भी लेते हैं कि हमारे पास टेमोक्सिफेन इज यूजफुल एडजंक्टिव थेरेपी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, द ड्रग डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिकरेंस ऑफ कैंसर, ठीक है। तो अच्छा ये भी है ना, इसको ना पॉजिटिव मेमोग्राम है, पॉजिटिव मेमोग्राम का मतलब है उसे ब्रेस्ट कैंसर है, एंड स्मॉल कार्सिनोमा भी था उसे यार, ये भी देखना है, ठीक है। तो ब्रेस्ट कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में भी ना टेमोक्सिफेन यूज होता है। और जो मेन ड्रग हमारे पास, जो हम पढ़ पढ़ के थक गए हैं ब्रेस्ट कैंसर में, मेन ड्रग कौन सी थी हमारे पास? सिक्सटी ईयर ओल्ड मैन इज फाउंड टू हैव अ प्रोस्टेट लंप एंड एन एलिवेटेड प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग सजेस्ट सेवरल एंड लार्ज लिम्फ नोड्स, तो द पेशेंट इज लाइकली टू बी ट्रीटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास अब है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया मेरे ख्याल में, क्योंकि प्रोस्टेट लंब है और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन भी पॉजिटिव है। हाँ, लुप्रोलाइड का भी सर्च कर लेते हैं, लुप्रोलाइड। ओ यार खैर, लुप्रोलाइड किधर है? हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। डेनाजोल इज गोनेडल, डेनाजोल तो गोनेडल में है, ठीक है, एंड एंडोमेट्रियोसिस। इसमें से फाइब्रॉइड जो है ना,
वो ट्यूमर है एक, ठीक है, और क्या है हमारे पास? हाँ अब जाते हैं उसकी तरफ, ऊपर जाते, ऊपर जाते हैं लेफ्ट राइट की तरफ जल्दी से। लेफ्ट राइट आ जा भाई, आ जा यानी रिलैक्स के साथ। लिप्रोलाइड यार, ये कौन सा चैप्टर आ गया? हम कल ही तो पढ़ा है, कल ही तो पढ़ा है यानी रिलैक्स और लिप्रोलाइड। लिप्रोलाइड और गैनिनेलेक्स, लिप्रोलाइड और गैनिनेलेक्स हमने कल पढ़ा है। एक सेकंड, जी इसका बताओ, इसका लुप्रोलाइड का किस तरह है लिंक, क्या एक ये सेकंड, काम है बहुत अच्छा। अच्छा जल्दी से शो करते हैं, मैं वो एक सेकंड खुद यार दे रहा हूँ। एमसीक्यू रह जाएंगे मेरे, खींचो यार नहीं इसको रहते आज यार, के, हो गए 6:30, ये बोनस टाइम पे चल रहे हैं। लिप्रोलाइट इसकी वो पीछे दलील पढ़ लो ना, वहां से पकड़ा जाए क्या, उधर लिखा होगा ना रीजन, जी एन आर हाँ एच एगनिस्ट है, ट्रीटमेंट ऑफ मैन विद प्रोस्टेट कैंसर है, कंटिन्यूस यूज टू डाउन रेगुलेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है, डाउन रेगुलेट। लियोप्रो, मैं वो पीछे से निकाल रहा हूँ। लियोप्रो कहाँ पे था? हाँ मिल गया, वो आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो सेवर रही, दिखाते हैं। ये हो गई बस, मैं सब में। हाँ जी, तो लियोप्रोलाइट इज द फर्स्ट सेट ऑफ सिंथेटिक पेप्टाइड विद लॉन्ग एक्टिंग इन मैन एंड वुमन स्टडी डोज विद जीएनआर एटलीस्ट डाउन रेगुलेटिंग ऑफ रिसेप्टर्स एंड्रोजिनस गोनाडोट्रोपिन है, ठीक है, विद गोनाडोट्रोपिन इन वुमेन गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड फैन इन ओवेरियन सप्रेशन। आ गया, पकड़ा के हाँ, इन एडवांस प्रोस्टेट कैंसर हाईलाइट किया था। आ गया, यस यस आ गया। कोई हमसे कुछ छोड़ेंगे नहीं यार, अब कर रहे हैं तो फिर एक दफा सही से कर ले। यार, मेरे आगे तो मुझे जाना पड़ जाएगा। अच्छा लुप्रोलाइड नेक्स्ट, कोई नहीं कोई नहीं, बस किधर थे हम, इसकी डिबो भी पढ़ लेते हैं। तो लिप्रोलाइड इज जनरल चैनल स्लो डाउन रेगुलेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, ठीक है ठीक है, ये हो गया। कंप्लेंस ऑफ अ एब्डोमिनल यंग वुमेन पेन कंप्लेन्स ऑफ वुमेन, एडोमिन हाँ आगे मेंस्ट्रुएशन, इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रियल डिपॉजिट्स ऑन पेल्विक पेरिटोनियम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेडिकल थेरेपी, क्या कहते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर मेडिकल थेरेपी इन पेशेंट। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होगा? ठीक है, इसमें हमारे पास केयरफुल सभी एवेलुएशन इंक्लूड्स वो मैं कर देता हूँ। तो देख लेते हैं क्या है पीछे। 6 का बी लगाया हुआ है इन्होंने, क्यों लगाया हुआ है बी, कहा है कि सब एंडोमेट्रियोसिस में प्रोजेस्टेरोन ओवेरियन एक्शन सप्रेस होता है, प्रोडक्शन ऑफ गोनाडोस्टेरॉइड यूजफुल होती है। अच्छा देखो, फ्लूटामाइड तो हमने उसमें पढ़ाया कि यानी हमारे पास जो है नीचे यूज होता है। नॉजेस्ट्रल भी देख लेते हैं, एक सेकंड अभी देख लेते हैं यार, मिल जाएगा यार मिल जाएगा। मेड्रोक्सी प्रोजेस्टोन कह रहे हैं ना अच्छा वो, वकार साहब आ गए मेरे, ऐसा करते हैं कि आप पॉज कर लेते हैं या मैं चला जाता हूँ, आप पीछे से इसको फुल डिस्कस करते रहो, ठीक हाँ ये भैया क्या बेस्ट ऑप्शन दिए। लेकिन आप फिर क्रॉप किस तरह करोगे इस वीडियो को? है। जब आप फुल डिस्कस कर लोगे ये और मिमोनिक्स, आप आधे घंटे बाद आपने आ मैं जाना, कहता हूँ आधे घंटे की ब्रेक आप ले लो, आधे आधे घंटे घंटे बाद बाद कंटिन्यू करते हैं, कोई नहीं ना। रिकॉर्डिंग वो नहीं, आधे, मैं कॉल आ नहीं गया ना नहीं उनकी, मैं कह आधे रहा घंटे की ब्रेक ले लेते हैं, डिपेंड की भी चलो एमसीक्यू सही है है, ना, चलो आधा घंटा, ओके आधे चलो घंटे ठीक है, का। चलो चलो, बेस्ट बेस्ट बेस्ट, ओके।
क्या हुआ है, क्या हुआ है? अच्छा तो किधर थे हम यार? बस दो तीन काम आ गए थे, फिर नमाज पढ़नी थी बीच में, फिर वो कपड़े सूखने डाले हुए थे वो लाने थे, और दो तीन काम थे बस उसमें। पांचवा एमसीक्यू तो हो गया था। मैमोग्राम पॉजिटिव था ना उसका, तो ब्रेस्ट कैंसर में हमें पता है टेमोक्सिफेन यूज होता है, और प्रोस्टेट वाला भी हमने ढूंढ लिया था, फिफ्थ वाला जो है क्या कहते हैं लियोप्रोलाइड, जो है हमने एडवांस ट्यूमर देखा नहीं था, एडवांस ट्यूमर जो देखा था हमने, एडवांस ट्यूमर जो है लियोप्रोलाइड। वो फिफ्थ में मैं बता रहा था, सिक्स में हमें ड्रॉक्स मेड्रोक्सी क्या होता है, मेड्रोक्सी हमने पढ़ा था, ये मेड्रोक्सी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में इस्तेमाल होता है जी मेड्रोक्सी। फिर एज पारेंटल कॉन्ट्रासेप्टिव, पारेंटल कॉन्ट्रासेप्टिव भी यूज होता है, और क्या है हमारे पास, और एचआरटी और पारेंटल कॉन्ट्रासेप्टिव, और क्या है इंट्रैक्टेबल डिसमेंोरिया। ओए अच्छा, यो तो डॉपलर एंडोमेट्रियोसिस, बस यही यही चाहिए था हमें। एंडोमेट्रियोसिस एंडोमेट्रियल डिपॉजिट्स, मैं कह रहा हूँ एंडोमेट्रियोसिस पढ़ा था इसका फैक्ट, और इधर भी क्या लिखा हुआ है एंडोमेट्रियल डिपॉजिट्स, तो बस खत्म। हाँ हाँ जी, दोनों सेम है कि वो यूट्रस में ना एंडोमेट्रियल डिपॉजिट्स हो जाते हैं जमा, मतलब यूट्रस में जो है एंडोमेट्रियल डिपॉजिट्स जमा हो जाते हैं, तो ये होता है। तो डेस क्या है, डेस शुड नेवर बी यूज्ड इन प्रेग्नेंट वुमेन बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। डेस हमने क्या पढ़ा था, बड़ा वो पढ़ा था इथाइल करके कुछ होता था, याद करो। नहीं हमने पढ़ा ये साफ याद है, यहाँ पे भी एंड एंड पे पढ़ा मेरा जहाँ तक ख्याल था ना, एंड एंड पे बिल्कुल एंड पे डेस 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 डेस। हाँ 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 इसी तरह कुछ समझ की तरह। हाँ इसमें ये रहा एंटी तो अब हाँ अनॉन्स्टेरॉइडल एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड इज एसोसिएटेड विद इनफर्टिलिटी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड वजाइनल कार्सिनोमा इन डॉटर्स ऑफ वुमेन, ठीक है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मिसगाइडेड अटेम्प्ट टू प्रिवेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, दीज इफेक्ट्स अपीयर टू बी रिस्ट्रिक्टेड इन रेस्ट, ये बता रहे हैं। अच्छा अब जाते हैं एमसीक्यू की तरफ। डेथ शुड नेवर बी गिवन इन प्रेग्नेंट वुमेन बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएटेड है हमने भी पढ़ा है, इनफर्टिलिटी एंड वजाइनल कैंसर, अभी ऊपर पढ़ के आए हम, दोबारा जाएं ऊपर। दोबारा दोबारा जी, ये देखे ना इधर क्या लिखा हुआ है, वजाइनल एडिनो कार्सिनोमा,
तो प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए। तो फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्म्स, एक्ट एज एग्नेस्ट इन सम टिश्यूज एंड एंटागनिस्ट इन अदर। ये तो पहले में आंसर बता रहा है, पहले ये यार इसमें अब जाते नहीं है बस। फिनस्ट्राइड हैज एफिकेसी इन द प्रिवेंशन ऑफ मेल पैटर्न बैलेंस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स एबिलिटी टू डू द फॉलोइंग कंपेटिटिवली एंटागनाइज एंड्रोजन रिसेप्टर्स। नहीं, कंपेटिटिवली तो वो करता था हमारे पास जो मिफीप्रिस्टोन था। तो डिक्रीज द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन, नहीं वो तो गोनाडोट्रोपिन एंटागनिस्ट करते हैं। इंक्रीज द सीरम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस एच बी जी, ये भी नहीं है, ये तो कुछ और ही लिखा हुआ है। इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन की तो नहीं करता क्योंकि आगे आता है ना फिनेस्ट्राइड, उसको डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है ना, याद है हमने पढ़ा। रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोटेस्टेरोन, ये तो वही ऑप्शन आ गया, वही मैं जो कह रहा था। तो 52 एरिना पिक्चर फिनेस्ट्राइड डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनाने से बना रोक रहा है। आंसर ये है 52 ईयर ओल्ड पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट हैज एविडेंस ऑफ लो मिनरल ब्रेंडेंसी शी एंड हैज कंसीडर्ड थेरेपी ऑफ रेलोक्सीफेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंजुगेटेड एस्ट्रोजन एंड मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पेशेंट कैरेक्टरिस्टिक इज मोस्ट लाइकली टू ट्रीट देम टू रेलोक्सीफेन। तो कौन सी कंडीशन करेगी, प्रीवियस हिस्टेरेक्टमी तो पढ़ी नहीं हमने, वेजिनाइटिस भी नहीं पढ़ा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी नहीं पढ़ा, ब्रेस्ट कैंसर ही पढ़ा, हॉट फ्लशेस भी पड़ा, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा डोमिनेंट है क्योंकि हमने ये रिलॉक्सिफिन पढ़ा। रिलॉक्सिफिन का हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट लिपिन खोलते हैं जल्दी से। अल्लाह अकबर, उल्टन में या अल्लाह ना हो एमसीक्यू। तो रोज ये दुआ करते हैं, एक दफा तो कबूल होगी, लेकिन होते हैं यार गुनाड्स के, तो होने चाहिए एमसीक्यू यार, ऐसे कैसे हो सकता है ना हो। 10 एमसीक्यू रह गए और फिर हम फारग तहसील हैं। क्या हुआ? यस, लेट्स सी इट्स एमसीक्यूज, लेट्स डू इट। यार कहाँ, 6 बजे बोला था, 8 बज गए माशाल्लाह। तो अ 53 ईयर ओल्ड वुमेन हैज स्वेयर वेजो मोटर सिम्टम्स, हॉट फ्लैशेज एसोसिएटेड विद मीनोपॉज, शी हैज नो पर्टेनेंट पास मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर हर सिम्टम्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एस्ट्रोजन वेजाइनल क्रीम ओनली ट्रीट्स वेजाइनल सिम्टम्स, वहाँ वो एब्जॉर्ब नहीं होती, तो एस्ट्रोजन वेजाइनल क्रीम होगी इसमें। तो ये खाली इसमें बताया हुआ है, सिंस दिस पेशेंट हैज इंटैक्ट यूट्रस अ प्रोजेस्टेरोन सच एज मेडॉक्सी नीड्स टू बी यूज्ड अलोंग विद एस्ट्रोजन टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ एंड्रोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया अनअपोज्ड एस्ट्रोजन। फॉर एग्जांपल द एस्ट्राडियोल ट्रस्ट शुड नॉट बी यूज्ड, इंजेक्टेबल मेडॉक्सीपिन शुड नॉट मेरे दोनों हाथ घी में वो क्या कहते हैं, वो मुहावरा हो गया। तो इसमें यह है कि वो ये कह रहा है कि हमारे पास क्या चीज ऐसी यूज होगी हॉट फ्लैशेस में कि जो जो क्या क्या कहते हैं पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और सर्जिकल हिस्ट्री के साथ अलाइन ना करे, अलाइन करे, ठीक है, मतलब वो उसमें उसको कोई इफेक्ट ना हो। तो उसमें ये कि वेजाइनल क्रीम हम देंगे क्योंकि वो टॉपिकल एप्लीकेशन होती है ना, यानी बाहरी एप्लीकेशन। हाँ, तो वेजाइनल क्रीम दे देंगे हम उसे, ठीक है। तो सी ऑप्शन में जो है ना, हाँ ना, तो ओरल एस्ट्राडियोल एंड मेड्रोक्सी प्रोजेस्टोन है ना, ठीक है। तो उसमें ये कि ओरल देंगे, ओ सॉरी वेजाइनल नहीं देंगे, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ,
वजाइनल नहीं देंगे क्योंकि क्या है हमारे पास वो ए ट्रॉफी हुई हुई है उसकी पहले से ना वजाइना की, ठीक है। और ओरल हम इसलिए देंगे क्योंकि वो क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, याद नहीं हमने पढ़ा एंडोमेट्रियोसिस में यूज होता है मेड्रोक्सी प्रोजेस्टोन। तो ये है हमारे पास एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस और हॉट फ्लैशेस। नहीं उसका हॉट फ्लैशेस में है और वो है एस्ट्राडियोल के साथ साथ दोनों साथ यूज होंगे तब विद एस्ट्रोजिन टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजी। ये खाली इसमें कॉम्बिनेशन ऐसा लिखा हुआ है, उसमें ऐसा कॉम्बिनेशन लिखा हुआ, उसमें खाली मेडोक्सी एसीटेट लिखा हुआ है। और बात यह है कि दोनों ओरल हैं, डी में लिखा हुआ है इंजेक्टेबल, इंजेक्टेबल तो यूज ही नहीं होती ना, ठीक है। इंजेक्टेबल तो खाली कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज होती है, एंडोमेट्रियोसिस के लिए नहीं यूज होती। ये अ 70 ईयर ओल्ड वुमन इज बीइंग ट्रीटेड विद लॉक्सिफेन फॉर ऑस्टियोपोरोसिस व्हिच इज द कंसर्न विद द थेरेपी, ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, वीनस थ्रोम्बोसिस, हाइपरप्लास्टिक में। हाँ तो कंसर्न क्या होगा कि हमारे पास वीनस थ्रोम्बोसिस कराती है, हमने पढ़ा था कि इसका एग्नेस्ट एक्शन होता है, जो एग्नेस्ट वाला एक्शन है उसमें यह वीनस थ्रोम्बोसिस, उसमें वापस जाए। एलडीएल कम करता है ना आपको, एगोबिलिटी तो ज्यादा करता है ना। नहीं, क्लॉट बनना जरूरी थोड़ी है कि एलडीएल से बने। क्लॉट के लिए खाली ब्लड ही जरूरी, ब्लड ही काफी है। ये देखो ये रहा वीनस थ्रोम्बोसिस, वीनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है। अब वापस जाते हैं, अब वापस जाते हैं जल्दी से, भटक बहुत जाते हैं। अरे इसको क्या कहते हैं, थ्री है विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर अ पेशेंट विद मॉडरेट एक्नी। एक्नी हमने पढ़ा नहीं है भाई, एक्नी नहीं पढ़ा, तो इसमें बस ये पढ़ लेते हैं इथेनॉल, एस्ट्राडियोल जो है, प्रोजेस्टोन, लेवेंजेस्टोन एंड नोरेथेड्रोन एसीटेट मे हैव एड्रोजेनिक एक्टिविटी एंड कंट्रीब्यूट टू एक्नी। हाँ नॉरजेस्टिमेट जो है ना वो उसमें प्रेफर किया जाता है, नॉरजेस्टिमेट एक्नी में, ठीक है। तो ये बस याद रखना है। 25 ईयर ओल्ड वुमन इज इंजेक्टेबल मेडॉक्सी प्रेस्टन, यार इसको तो बड़ी इंपॉर्टेंस दी हुई है, एज अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन विच एडवर्स इफेक्ट इज द कंसर्न विद द यूज ऑफ दिस थेरेपी फॉर लॉन्ग यूज। तो उसका ऑस्टियोपोरोसिस हमने पढ़ा है यार ऊपर भी, के हमारे पास यहाँ पे पढ़ा है कि ऑस्टियोपोरोसिस हमारे पास ना हो जाती है क्योंकि वो बेसिकली वो है ना एस्ट्रोजन है ना, तो एस्ट्रोजन सॉरी एस्ट्रोजन है कह रहा हूँ, वो है यानी एस्ट्रोजन का एंटेगनिस्ट है ना, तो एंटेगनिस्ट वाला जो है वो इस तरह कॉज करता है। फिर आगे मूव करते हैं, विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रोवाइड्स लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन। तो लॉन्ग एक्टिंग जो है वो प्रोजेस्टिन वाले होते हैं जो ज्यादातर, या एक आप इंट्रा यूटराइन डिवाइस इम्प्लांट कर लो अपने यूट्रस में, तो वो आपको 3 से 5 साल के लिए जो है ना कॉन्ट्रासेप्शन देगी, यानी वो जो टी ट्यूब होती है ना, टी ट्यूब का पता है, तो वो अगर यूज कर लो तो वो 3 से 5 साल के लिए दे देगी। तो ये बस उसने बताया था, हमने पढ़ा ही नहीं उसमें। विच इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन विद टॉपिकल विद टिपिकल यूज, सब डर्मल इम्प्लांट होता है और ट्रांस डर्मल होता है, तो ये सारे होते हैं तो टिपिकली ये यूज होते हैं विद लो फेलियर रेट्स सिंस इट डज नॉट रिक्वायर एडहेरेंस ऑफ द पेशेंट आफ्टर इम्प्लांटेशन। प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स आर लेस इफेक्टिव देन कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड द बोलते हैं ये बाकी भी यूज होते हैं। हाँ बोलते हैं कि बाकी भी यूज होती हैं लेकिन मोस्ट इफेक्टिव जो है ना
वो हमारे पास कौन सी है, सब डर्मल इम्प्लांट, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करती है और उसके चांसेस फेलियर के लो हो जाते हैं फिर तो। 36 ईयर, हाँ वो भी कौन सा वाला वो कर रहा होगा, लेकिन ये कि मोस्ट इफेक्टिव ये है, इफेक्टिव सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये 36 ईयर ओल्ड वुमन रिक्वेस्ट बर्थ कंट्रोल, शी हैज नो मेडिकल कंडीशन एंड शी स्मोक्स 1 पैक ऑफ सिगरेट विच वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग, ठीक है। तो स्मोकर्स को हमने उधर पढ़ा है, मैं अगर याद हो मुझे तो पढ़ा होगा मेरा ख्याल है। तो उसके एडवर्स इफेक्ट कम है, सच एज मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, वो नहीं करता था, प्रोजेस्टिन ओनली जो है, ठीक है। और क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन कंटेनिंग कॉन्सेप्टिव आर नॉट रिकमेंडेड इन वुमेन ओवर 35 ईयर और, क्योंकि वो ब्रेस्ट कैंसर करा लेते हैं तो एस्ट्रोजन वाले तो हम करेंगे नहीं, ठीक है। और द वजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव रिंग, ट्रांसजेंडर पैच एंड कंबाइंड ऑरल सब्स्टिट्यूट आर ऑल कंटेन एस्ट्रोजन, बोलते हैं सारों में एस्ट्रोजन है सिवाय प्रोजेस्टिन के, ये प्रोजेस्टिन ओनली है, यानी इसमें खाली प्रोजेस्टिन है, तो खाली प्रोजेस्टिन के एडवर्स इफेक्ट कम होते हैं क्योंकि एक चीज है, ठीक है। आर 22 ईयर ओल्ड वुमेन रिक्वेस्ट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स दैट अकर्ड 1 डे अगो, यानी उसने क्या किया है कि हमारे पास रिक्वेस्ट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसमें हमने लोवेंजेस्ट्रोल पढ़ा है हमने, मैं दिखाऊं पीछे जाके, हाँ वो करते हैं, लेकिन इसमें इमरजेंसी में हम लोग ये यूज करते हैं, मैं दिखाता हूँ, शायद हमने पढ़ा है इमरजेंसी में, हमने पढ़ा तो है लेकिन पता नहीं अब इसमें ये ड्रग लिखी होगी कि नहीं। पोस्टपार्टम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, हाँ ये देखो स्टेल वाली जिनके एंड पे नॉर्जेस्ट्रेल आता है ना, स्ट्रेल स्ट्रेल एल नॉर्जेस्ट्रेल, अगर हम निकालें उसमें नॉर्जेस्ट्रेल नॉर्जेस्ट्रेल पोस्ट क्वार्टल, हाँ देखो एल नॉर्जेस्ट्रेल है, इसके साथ वाली जो स्टेल स्टेल वाली है ना वो यूज होंगी, तो अगर इसमें भी आता हुआ तो फिर तो डन है। हाँ देखो वही यार बात वही है, लीवो को एल भी कहते हैं तो एल नॉर्जेस्ट्रेल तो वही यूज होती है, समझ आ गई है। मैं दोबारा दिखाऊं, मिफोप्रोस्टोन के बारे में कुछ नहीं लिखा, एल नॉर्जेस्ट्रेल का लिखा है कि वो करती है, मैं दोबारा जाता हूँ ना, अच्छा उसके में क्या लिखा हुआ, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टोन रेजिमेंट आर लेस यूज फॉर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन ड्यू टू हायर इंसिडेंस इज अ प्रोजेस्टोन एंटेगनिस्ट यूज टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी वंस इट हैज स्टार्टेड, तो वो कहता है जब वो स्टार्ट हो जाती प्रेगनेंसी तब वो करते हैं इंटरकोर्स के फौरन बाद नहीं इस्तेमाल होता, ये वो कहना चाह रहा, समझ रहे हो, प्रेगनेंसी स्टार्ट होने में और इंटरकोर्स होने में फर्क है। तो ये 35 ईयर ओल्ड वुमन इज एक्सपीरियंसिंग इनफर्टिलिटी ड्यू टू एंड ओवुलेशन, विच एजेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस पेशेंट, इनफर्टिलिटी का तो क्लोमिफीन है यार, इस पे नहीं जाते, ये तो आसान ही है। यूज ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन विच पेशेंट, टेस्टोस्टेरोन बेस्ट जो है वो किस में होगा हमारे पास, हाइपोगोनेडिज्म में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, और मोस्ट जुडिशियल यूज जो है इसका रैशनल यूज जो है वो हाइपोगोनेडिज्म में है, तो ये है हमारे पास। तो टेस्टोस्टेरोन ना वो तो एज के साथ तो वैसे ही कम होना चाहिए क्योंकि वो बॉडीली फैक्टर्स भी वो एज के साथ कम ही करते हैं, अब वो बुढ़ा होके जो है बंदा फिर वो जो है अपने आप को टेस्टोस्टेरोन लगाने लग जाए तो एडवर्स इफेक्ट शुरू हो जाते हैं फिर उसके, क्योंकि सिस्टम फॉल कर रहा है आप उसको रेज दे रहे हो तो वो जो है ना एडवर्स इफेक्ट फिर कॉज शुरू कर, ठीक है। तो ये है हमारे पास, अब हम निमोनिक्स करते हैं, लाकर इसके छोटे से नहीं यार 10-15 मिनट की गेम रह गई है ना, व्हाट द इश्क, अल्लाह जितने छोटे मैं कह रहा था उतने बड़े निकले हैं ये, तो ये गोनाडल हार्मोन एंड इनहिबिटर्स हैं,
गोनाडल हार्मोन में एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, एंटी एस्ट्रोजन ये आ जाते हैं, हमने पढ़ लिए हैं। मेजर एस्ट्रोडियोल जो है वो अब लो बायर लेवल ब्लड ट्रांसडर्मल पैच वजाइनल क्रीम, इसमें अवेलेबल है। ठीक है, फैट्स या नॉर्मल फीमेल रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ जेनिटल स्ट्रक्चर, सेक्सुअल कैरेक्टर्स और ये वो कराता है। एस्ट्रोजन बोन के हेल्प में करता है, इमेज से याद रहेगा हमें। ठीक है, डिक्रीज बोन रिजॉर्प्शन, इंक्रीज कोएगुलेबिलिटी, इंक्रीज प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड, डिक्रीज एचडीएल, इंक्रीज एलडीएल। हॉट अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो हॉट चिकन रीडिंग एबीसी। ठीक है, हार्मोन डिस्प्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, ऑस्टियोप्रोसिस टाइनी गोनेड्स में काम आता है हमारे पास, ये इसके क्लिनिकल यूजेज है। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स में आता है, और क्या आता है, हाँ हाँ ये, और एडवर्स इफेक्ट में एबीसीडी आता है, और ये अच्छा है, एडिनोकार्सिनोमा, ब्रेस्ट कैंसर, कार्डियोवास्कुलर इवेंट, डीवीटी, एंडोमेट्रियल कैंसर, ओरल एंड वजाइनल क्रीम्स आती हैं, प्रोजेस्टेरोन की सिक्रेटरी चेंजेस इन एंडोमेट्रियल मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, डोनट अल्सर, ये ठीक है। यूजेस क्या है, प्रमोट एंड मेंटेन प्रेगनेंसी, प्रिवेंट एंडोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्चर, कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया। ठीक है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर करता है, डिक्रीज एचडीएल, डिक्रीज बोन डेंसिटी, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, मोनोफेसिक कांस्टेंट डोज थ्रू आउट द मेंटेनेंस साइकिल, प्रिपरेशन प्रोजेस्टेरोन ओनली एंड प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन और फॉर्मेशन ओरल ऑन, ये हो गया। बायोफिजिक ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन डोज चेंज ड्यूरिंग मंथ्स इन टू फेजेस, एस्ट्रोजन थ्री फेजेस में चेंज करती हैं, पोस्ट क्वार्टल देयर आर इमरजेंसी विद दैट प्रिवेंट द प्रिपरेशन, प्रोजेस्टेरोन ओनली मैकेनिज्म, इनहिबिशन ऑफ ओवुलेशन अफेक्ट्स ग्लैंड, डिक्रीज लाइकलीहुड प्रोजेस्टेरोन, क्या क्या ये हमारे पास रिदा है, वो रिदा उम्मीद से है। रिमेटिक आर्थराइटिस, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, डिसमेनोरिया, एक्ने ट्रीटमेंट। एक्ने ट्रीटमेंट में कौन सा यूज हो रहा है भाई? हाँ ये प्रोजेस्टेरोन, रिदा है वो। यार बहुत तो रिटायर्ड आर्थराइटिस, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, डिसमेनोरिया, एक्ने ट्रीटमेंट हैव में प्राइमरी गोनाडिज्म हो, पर्सोटिज्म हो, वेजेसिस्ट पहले के इन्फ्लेमेटरी डिजीज एंड हो। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से रिलेट भी करना चाह रहे थे ना, वो टीबी है पेशेंट, सम ब्लड इन म्यूकस, तो थ्रोम्बोएम्बोलिक, ब्रेस्ट कैंसर, हेडेक, सम स्किन पिगमेंटेशन, ब्लड म्यूकस और ये अदर एडवर्स इफेक्ट। सीरियस कॉम्प्लिकेशन में एचेस आ जाता है, एब्डोमिनल पेन, चेस्ट पेन, हेडेक, आई प्रॉब्लम्स, फिर ये मैंने ना ये पीडीएफ अभी शेयर की थी, उसमें ये मुझे खुद एक हाउस अफसर ने दी थी और वो किसी के थ्रू मेरे तक पहुंची थी, तो ये जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था इसी में ना, तो किसी ने मांगी वो तारीफे कर करके नहीं थक रहा हूँ ऐसे रिवॉर्ड के भाई जिंदगी भर रहा बोले, लेकिन ये कि यार टाइम लगता है निमोनिक्स को भी याद करने में, ये बात है। तो फुल रिसेप्टर में फुल आ जाता है, एडजंक्शन हार्मोन रिस्पॉन्सिव, ब्रेस्ट एस्ट्रोजन, टेमोक्सिफेन, एस्ट्रोजन एक्शन इन ब्रेस्ट टिश्यू, ब्रेस्ट पे ज्यादा इफेक्ट, प्रिवेंशन ट्रीटमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव ब्लड्स, ब्रेस्ट कैंसर, हॉट फ्लैशेस, एंडोमेट्रियल, सीएमएस, टोमोफ्लेन, टेमोक्सिफेन फॉर ऑस्टियोपोरोसिस एंड ब्रेस्ट कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए भी यूज होता है, प्रोमिफिन यूज इन फर्टिलिटी, रिड्यूस एस्ट्रोजन सिंथेसिस, एस्ट्रोजन एरोमेटेज, एमिनेस्ट्रोजोल, बेनाइन प्रोस्टेटिक हार्मोन ट्राइड होता है यूज। बस जी खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म, शुद्ध, अल्हम्दुलिल्लाह, चैप्टर है।